ले ले मेरी जान।
श्रोताओं, कुछ स्टूडियो में तकनीकी प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं. नहीं, एग्जैक्टली. बिकॉज समान प्रोग्राम भी जो है लाइक दो घंटे से वो लोग ट्राई कर रहे हैं एंड दे सेड दे कुड नॉट रिले द प्रोग्राम. और हम लोग यही सुनना चाहते हैं कि भाई प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं या नहीं. कोई लोग सुन पा रहे हैं और कोई लोग नहीं सुन पा रहे हैं. सो वी आर रियली सॉरी, लाइक वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज हम लोग सब कुछ यहाँ पे कोशिश कर चुके हैं. सब कुछ तो ठीक लग रहा है हमको, पर या कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं यहाँ पे. बट एनी वे वील कंटिन्यू विद द प्रोग्राम और आप लोग सुन सकते हैं तो हमें फ़ोन करिए आप 6287-4347 पर यहाँ स्टूडियो पर. आज हम लोग काफ़ी मतलब विषय के बारे में बात कर रहे हैं. अभी तो शमशाद बेगम के ऊपर हमने तड़का लगाया. जी हाँ, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी थी और उसके बाद में वी ऑल्सो टॉक अबाउट टू ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हीरोइंस. एक तो लीना चंद्रावरकर है और दूसरी है विद्या सिन्हा. और साथ में बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे और मशहूर लिरिसिस्ट योगेश के बारे में. जी हाँ, तो तो एक पहले शमशाद बेगम का गाना सुनते हैं. बिल्कुल. हिंदुस्तान का तेरा तू. हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ. मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ. हाँ हाँ, मेरे पिया वो मेरे पिया दे रंगू पिया है वहाँ से पहली फूल तुम्हारी याद सताती है. याद सताती है दिया में आग लगाती है. मेरे पिया दे रंगू पिया है वहाँ से डेली फूल तुम्हारी याद सताती है. तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है. हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए बहुत पछताए. हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए बहुत पछताए. हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए. हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए. हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून. तुम्हारी याद सताती है. तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है. मेरे पिया दे रंगू पिया है वहाँ से डेली फूल तुम्हारी याद सताती है. तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है. हम सन्यासी आज तुमसे बिछड़ के तुमसे
बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। आज लूंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया के हाँ श्रोताओं, ऐसा लग रहा है कि अभी ट्रांसमिशन मेरे ख्याल से ठीक हो गया है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम था आई थिंक टावर में, और थ्रू इंटरनेट अगर आप सुनना चाहे तो जरूर सुन सकते हैं। आप साइट पे जाइए, इंटरनेट पे काफी क्लियर आ रहा है। अगर अभी हमने कुछ मनीष से मैसेज मिला है कि रेडियो पर भी सुनाई दे रहा है, तो होपफुली एवरीथिंग लुक्स ओके। मगर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें फोन करके बताइए। मगर अगर रेडियो पर नहीं सुन सकते हैं तो साइट पे जाइए और जरूर सुनिएगा, तो वहां पर तो क्लियर ट्रांसमिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं शमशाद बेगम की, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, और उनके हमने कुछ गाने सुने। आर पार फिल्म का एक गाना सुना, कहीं यार कहीं पार, कजरा मोहब्बत वाला जो गाना है वो तो एक सुपरहिट गाना आशा जी के साथ उन्होंने गाया था। और अभी जो हमने गाना सुना पतंगा फिल्म का, जो पुरानी फिल्म है मेरे पिया गए रंगून, वो तो इतना आजकल भी हिट है और उसका रिमिक्स आ गया है। और अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी रंगून, अच्छा उसमें भी वो गाने का इस्तेमाल किया था, थोड़ा चेंज किए थे वर्ड्स, यानी मेरे पिया गए इंग्लैंड बजा के बैंड, न जाने कहा करेंगे लैंड, हिटलर चौके ना। अरे बाप रे, देखो पुराने तो गाने भी आजकल पॉपुलर है, रिसाइकल कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। तो शमशाद बेगम की आवाज का एक जादू है। हाँ। और उस जमाने में तो एक नेजल सिंगिंग का एक दौर चला था, नूरजहां थी, सुरैया थी, और शमशाद बेगम तो हाईएस्ट पेड सिंगर थी। तो बहुत मैंने सुना है कि लता जी को बहुत संगीतकारों ने कहा था जब वो नई थी कि आपको नेजल गाना पड़ेगा, शमशाद बेगम की कॉपी करना पड़ेगा। तो वो भी एक जमाना था। करेक्ट करेक्ट है। तो अभी देखो, अभी वैसे गाएंगे तो बड़ा एक अजीब सा लगेगा शायद, नहीं आजकल के जमाने में। नहीं, आजकल तो ऐसा पैरोडी के लिए यूज करते हैं नेजल गाना। तो चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 91.1 FM पर। हमको बड़ी खुशी हो रही है कि भाई आप हमारा प्रोग्राम सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज जो है आप तक जा रही है। और वैसे तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा प्यारा है, 22 डिग्रीज है, एंड इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑटम्स डे। तो आई विश यूर ऑल यू नो हैविंग ए ग्रेट डे, ग्रेट संडे। और आप जहां भी हो हमारा प्रोग्राम, तो आप कहीं भी या पिकनिक कर रहे हो, या जॉगिंग कर रहे हो, या स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा प्रोग्राम आप तक जरूर पहुंचता है। और आपके जो फीडबैक्स है और आपके जो यू नो फोन कॉल्स हमें आते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है हमको किस टाइप के प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, ये फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए इस दो घंटे के लिए भी, क्योंकि एक बहुत ही तड़ाकेदार प्रोग्राम आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे लीना चंद्रावरकर के बारे में, फिर उसके बाद में बात करेंगे विद्या सिन्हा के बारे में, और बात करेंगे लिरिसिस्ट योगेश के बारे में भी, और बहुत ही प्यारे बहुत ही सुंदर गाने लेकर आए हैं। सो होप वी ट्राई टू लाइक यू नो मेक श्योर दैट वी ब्रिंग ऑल द सॉन्ग्स। वैसे ही वी हैव लॉस्ट बिट ऑफ अ टाइम बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच। तो चलिए अगला गाना हम क्या सुन रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं जगदीश जी? आपकी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे? अरे लीना चंद्रावरकर एक ऐसा बेबी फेस है उनका, देखो लोग कहते हैं मीना कुमारी इज अ ट्रेजेडी क्वीन, बट लीना चंद्रावरकर, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी कल, और उनके जिंदगी में जो हुआ है
बहुत दुख लगता है, बहुत ही दुख लगता है, बहुत ट्रेजेडी है उनके लाइफ में। और जितनी सुंदर वो दिखती है, जितनी ब्राइट उनका स्माइल है, इतना ब्यूटीफुल, लाइक यू नो, बट शी हैज बीन थ्रू हेल। इनफैक्ट हम लोग देखते हैं ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, बॉलीवुड की हो या कहीं के भी हो, बिल्कुल हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं। हमको लगता है उनको फेम है, उनके पास पैसा है, और क्या चाहिए, सब कुछ है, और उनकी जिंदगी में बहुत सारा दुख होता है, तो बहुत दुख है, आखिर वो भी आदमी है तो मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। और एवरीबडी नोज लाइक लीना चंद्रावरकर की, भाई वो किशोर कुमार की फोर्थ वाइफ थी, और देयर इज अ रीजन व्हाई शी मैरिड हिम आल्सो। उसमें एक बहुत ही एक अच्छा एक स्टोरी है, आप जरूर तड़का लगाएंगे उसके बारे में भी। लेकिन लीना चंद्रावरकर वॉज वेरी प्रिटी, और उनको जो फ्रेम जो मिला है, एक मूवी आई थी मंचली, शायद आपको याद होगा, संजीव कुमार के साथ में। तो आज हम लोग कली कली वो गाना सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं भौरा इस बाग में कभी इस बाग में। अभी एक मैसेज आया है कि कैनबेरा में एक कपल है, कर्नल विकास जी एंड हिज वाइफ सुनंदा आर हैविंग अ वॉक इन वेस्टर्न एंड लिस्टिंग टू रेडियो मनपसंद थ्रू वेबसाइट वाइल टेकिंग रोमांटिक वॉक थ्रू कलरफुल कैनबेरा ऑटम लीव्स। अरे वाह क्या बात। ये दो भौरे गार्डन में वॉक ले रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। और मौसम भी इतना बढ़िया है। आई विश यू हैव अ यू आर हैविंग अ लवली वॉक। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर एबल टू लिसन टू अस। मैं श्रोताओं से कहूंगा कि अगर आपको रेडियो पे सुनने में दिक्कत हो रही है तो आप इस साइट पे जाके सुन सकते हैं, www.cmsradio.org.au यानी www.cmsradio.org.au।
या आप अगर टाइप करेंगे सीएमएस रेडियो तो भी वो साइट आ सकती है, तो आप साइट पर जाके ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम लीना चंदावर के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात करेंगे। और मैंने जैसे पहले कहा कि काफी लोग कहते हैं कि मीना कुमारी इज अ ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड। जब मैं लीना चंदावर के करके बारे में कल पढ़ रही थी तो मुझे बहुत दुख लगा। वही ना, उनका पहला हस्बैंड तो एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी विद इन मंथ्स ऑफ देयर मैरिज। और ही वॉज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम 11 मंथ्स दे वर यू नो ही वॉज इन द बेड। आई थिंक ही एक्सीडेंटली शॉट हिमसेल्फ और उसके बाद में ही नेवर रिकवर्ड बैक। बट बंदोरकर की फैमिली की वो जो उनके पिताजी थे वो तो उस जमाने के दयानंद बांदोडकर चीफ मिनिस्टर थे गोवा के। करेक्ट करेक्ट। बट उनकी जो फैमिली ट्रेजेडी है बांदोडकर की बहुत ही लाइक आई कांट बिलीव। मेरे को तो कल रोंगटे खड़े हो गए जब मैं पढ़ रही थी कि हर मदर इन लॉ एक्चुअली लॉस्ट सेवन सन्स। सेवन सन्स शी हैज लॉस्ट एंड एवरी टाइम शी लॉस्ट अ सन कहती थी उनके सपने में एक नाग आता था। एंड इवन व्हेन लाइक लीना चंद्रावकर हस्बैंड सिद्धार्थ बिफोर पासिंग अवे शी हैड द सेम ड्रीम। देखो हम लोग ये सब बारे में तो विश्वास नहीं रखते हैं बट जब ये सुनते हैं कि भी ऐसा हुआ है। और वो लोग लीना चंद्रावकर को मांगलिक है इसलिए बहुत ताना मारते थे, बहुत ताना मारते थे। जी हाँ, बाद में जब अभी तो देखो वो उसका जो किशोर कुमार के साथ बेटा है वो अमित कुमार, उसकी मदर यानी किशोर कुमार की पहली वाइफ, ये सब लोग लीना चंदावरकर सब एक साथ रहते हैं। कैन यू बिलीव। यस। एंड लोगों ने और भी अफवाहें फैली थी कि भाई शी हैड सम अफेयर विद लाइक यू नो अमित कुमार। लोग तो करते रहते हैं, तो लोगों का काम है कहना। बट हैट्स ऑफ टू लीना चंदावरकर फॉर कमिंग लाइक यू नो फ्रॉम ऑल दिस ट्रेजेडी विद फ्लाइंग कलर्स। तो उनके लिए और एक गाना हम लोग हमजोली फिल्म का गाना सुनते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है। जी हाँ, मेरे पास आ क्यों भला
आ तुझे मैं दे दूं प्रेम की निशानियां। उड़ा जाए पांव डगमगाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना। वाकई में बिल्कुल प्यार भरा मौसम आया है और साथ में अपने साथ बहुत ही ब्यूटीफुल ऑटम कलर्स भी लेकर आया है। तो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं आज, हमें फ़ोन करके आप बता सकते हैं। आप यदि विकास और सुनंदा जी की तरह वॉक कर रहे हैं वेस्टर्न पार्क में, या फिर साइकिल राइड कर रहे हैं, या फिर कहीं बैठ के मौसम का मज़ा ले रहे हैं, अपने बैकयार्ड में ही बाहर बैठे हुए हैं, तो हमें सुनना ना भूलिएगा और हमारे साथ जुड़िए रहिए, क्योंकि आज हम लोग तड़का लगा रहे हैं, अभी तड़का लगा रहे हैं लीना चंद्रावरकर के बारे में। और जैसे हम बता रहे थे कि लाइक बहुत ही सुंदर उनका एक राउंड सा, एक बहुत ही प्यारा सा फेस है उनका, और कम्स फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, और शी वाज मैरिड आल्सो टू यू नो वेरी हैंडसम सिद्धार्थ बंदोरकर, बट यू नो ट्रेजिडी हिट एंड देन शी मैरिड किशोर कुमार। और एक भी एक ट्रेजेडी है कि भाई वो जो है कभी दिवाली के वक्त बहुत सैड हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है, बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, और वो कहती है कि दिवाली के समय में जो है शी लॉस्ट हर मदर, शी लॉस्ट हर ब्रदर एक्चुअली कमिटेड सुसाइड ड्यूरिंग दिवाली, एंड ऑल्सो किशोर कुमार ऑल्सो डाइड अराउंड यू नो दिवाली टाइम। तो कहती कि जब दिवाली का टाइम आता है लोग अपने घर में दिया जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन मेरे जो दिल के अंदर है एक बहुत ही सैडनेस होता है इन लोगों के, यू नो आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस पीपल, तो सो सैड। मगर एक मजेदार बात है कि जब किशोर कुमार ने उनसे कहा शादी करने के लिए, तो पहले तो उन्होंने मनाई कर दिया था कि बिल्कुल, नहीं भाई, और उनके पेरेंट्स तो लीला चंदावर के पेरेंट्स थे, दे वर टोटली अगेंस्ट दिस मैरिज, बिकॉज 21 साल से बड़े थे किशोर कुमार उनसे, और उनके पिताजी कह रहे थे कि भाई उनकी पहले 3 शादियां हो चुकी है और ये चौथी शादी होगी तो कैसा होगा। मगर किशोर कुमार तो बहुत डटे हुए थे कि मैं शादी करके ही रहूंगा इनके साथ, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो माता पिता का घर है धारवाड़ में, वहां बाहर बैठ के उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, यानी कुछ केल सहगल का एक गाना गाया था, मैं क्या जानू जादू है इन आंखों में, दुखी मन मेरे, फंटूश फिल्म का गाना गाया, जिंदगी एक सफर, सब रोने वाले गाने गाए तो भी उनके पिताजी माने नहीं। फिर वो वाला गाना भी गाया जॉनी मेरा नाम का, हाँ वही, तो नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, ये गाना गाने के बाद वो धीरे से लीना चंदावर के पिताजी को इतनी हंसी आ गई, और बाद में उन्होंने कहा कि मान गए भाई, अब तो लगता है मेरे बेटी के सच्चे आशिक है, तो फाइनली उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। वेरी डिटरमाइंड टू मैरी हर। और तो चलिए सुनते हैं अगला गाना, महबूब की मेहंदी, एक राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म थी, ये फिल्म तो ज्यादा चली नहीं थी, मगर ये गाना बहुत ही एक बेहतरीन गाना है। जाने क्यों लोग मुहब्बत किया
लहरें फिर भी सभी पिया करते हैं लहरें फिर भी सभी पिया करते हैं जाने क्यों ना हम वापस पिया करते हैं। वाकई में लोग क्यों जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। आज हम लीना चंद्रावरकर के बारे में बात कर रहे हैं। अ ब्यूटीफुल एंड शी लुक्स माइंड ब्लोइंग इन दिस सॉन्ग, माइंड ब्लोइंग एकदम yes. बहुत अच्छी लगती है। और जी हाँ, हम बात कर रहे थे किशोरदा और लीना के बारे में, और आपने कह रहे थे कि ही ट्राई टू कन्विंस हर टू गेट मैरिड टू हर। और उसके बाद में लाइक क्या अराउंड 7.5 years दे वर टुगेदर। यस ये साढ़े सात साल वो लोग साथ में थे एंड दे आल्सो हैड अ सन टुगेदर सुमित। ही इज आल्सो अ सिंगर। ही इज आल्सो अ सिंगर। वो कहती है आज भी वो अमित और उनकी फैमिली और उनकी जो किशोर कुमार की जो पहली वाइफ है सब लोग साथ में रहते हैं। उनको काफी प्रेशर आता था सबके साथ में कि ये क्या व्हाट इज दिस यू नो, बट शी कहती है कि नहीं ये बहुत लविंग फैमिली है। वो अकेली है लेकिन लोनली नहीं है वो बिल्कुल। और वो ये भी कहती है कि भाई घर में इतना अच्छा माहौल है लाइक यू नो द वे शी इज ऑलरेडी लॉस्ट किशोर एंड लाइक यू नो सुमित हैज लॉस्ट अ फादर बट यू नो थ्रू अमित कुमार लाइक यू नो शी हैज गेन्ड लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो जी हाँ, और अगला गाना आज सुन रहे हैं हम लीना के बारे में। कौन सा गाना लेकर आए हैं? एक रखवाला फिल्म आई थी जिसमें थे धर्मेंद्र, ये आपके आपका फेवरेट गाना है मेरे ख्याल से। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया। बिल्कुल वही हमें लीना चंदावरकर को जो उसने उसके दिल ने जो मांगा था वो तो मिल गया। वैसे किशोर कुमार मर ज्यादा साल एक साथ रह नहीं सके वो, और एक बहुत प्यारा बेटा है उनका। तो मेरे ख्याल से हम लोग एक आखिरी गाना उनके लिए ये सुनते हैं रखवाला फिल्म से। What's giving your small business a big future? Simpler GST reporting gives me more time to focus on running my business. Faster depreciation helps us get the equipment we need. Tax cuts mean I can put money back in my business and create jobs.
for the full range of initiatives to support small businesses to grow. Search Small Business. It's all about giving small business a big future. Authorized by the Australian Government, Canberra. Spoken by Kumud Mirani and Vivek Asri. महिलाओं के लिए नियमित रूप से स्क्रीनिंग कराना सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। वर्तमान समय में 20 से 69 साल की सभी महिलाओं को हर दो वर्ष में एक बार पेप टेस्ट कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही उन्हें एचपीवी का टीका लगा हो। इस साल वर्तमान सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्टिंग व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। 25 से 74 साल की महिलाओं को हर 5 वर्ष में एक बार एक नए प्रकार का सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। परंतु 2017 में इन बदलावों के लागू होने से पहले महिलाओं को अपने नियमित पैप टेस्ट कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से बात करें या 131556 पर फोन करें। ACT Health के ACT Cervical Screening Program की ओर से एक संदेश। You are listening to Radio Manpasand on FM 91.1। और श्रोताओं, हमने आज बात की शमशाद बेगम के बारे में, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। बाद में हमने लीना चंदावर के बारे में बात की, क्योंकि वो कल्पना जी की बहुत फेवरेट एक्ट्रेस है और मेरी भी है वैसे। और हमारे तो बहुत सारे श्रोता है, उनमें से एक है वनजा दासिका जी, जो एक कैनबरा की बहुत ही बड़ी कुचिपुड़ी डांसर है, नृत्यांगना है, यहाँ की नृत्यांगना है, बिल्कुल, और बच्चों को पढ़ाती है वो, बच्चों को सिखाती है, गाना भी गाती है, गाना बहुत भी गाती ही है। तो उन्होंने कुछ अपनी फरमाइशी गाने की हमें रिक्वेस्ट की है। बिल्कुल, एक गाना है मोह मोह के धागे, जो एक हाल ही में फिल्म आई थी दम लगा के हैशा, उस फिल्म का गाना है। और सरप्राइजिंगली इसका म्यूजिक है अनु मलिक का, और बहुत सालों के बाद अनु मलिक साहब ने कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे गाने दिए हैं उस फिल्म में। और अभी उनकी और भी एक फिल्म आई है, वैसे बेगम जान का म्यूजिक भी अनु मलिक का ही है। तो आइए, वंदजा दासिका जी की पसंद का ये गाना मोह मोह के धागे। जाऊं छे कोई टोह टोह ना लागे,
ये था वनजा दासिका जी का दासिका जी का पसंद का गाना, यस टंग ट्विस्टर हो गया तो जैसे आप जानते हैं बहुत ही अच्छी बहुत ही महान एक कुचिपुड़ी डांसर है वो, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने और भी एक गाने की फरमाइश की है, तुझमें रब दिखता है, जो रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गाना था, और उसका उन्होंने फीमेल वर्जन है उसकी रिक्वेस्ट की है। तो आइए सुनते ये गाना श्रेया घोषाल की आवाज में। जी आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा, आपके जो पसंद के गाने हमने सुनाए वो, और ऐसे ही हमारे जो श्रोता हैं वो भी हम अपनी पसंद भेज सकते हैं प्रोग्राम के पहले, ताकि वी आर प्रिपेयर्ड एंड विल डेफिनेटली प्ले दोस सॉन्ग्स फॉर देम। और जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 91.1 एफएम पर पूरा तड़का लगा के, और आप भी यहाँ तड़का लगा सकते हैं हमारे साथ। 6287-4347 है स्टूडियो का नंबर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगला जो विषय है हम बात करने जा रहे हैं वो है विद्या सिन्हा, यस, गर्ल नेक्स्ट डोर, यस, एकदम गर्ल नेक्स्ट डोर, एग्जैक्टली। और एकदम ही बहुत ही मतलब उनका एक फ्रेश फेस था जब वो रजनीगंधा में उनका जो यू नो एंट्री उन्होंने मारी अमोल पालेकर, ऑल्दो इट वाज नॉट हर डेब्यू मूवी, उनका डेब्यू मूवी कुछ और ही अलग था, आई थिंक समथिंग लाइक राजा काका विद अपोजिट किरण कुमार इन 1974। सब लोग सोचते हैं कि भी रजनीगंधा उनकी डेब्यू मूवी है, बट नो, उसमें लाइक यू नो शी वॉज फ्रेश फेस विद अमोल पालेकर, एक बहुत ही मतलब सिंपल सी मूवी थी, वासु चटर्जी की मूवी थी। और पहले तो मतलब रेखा, ऑल दिस ग्लैमरस हीरोइंस, राखी, हेमा मालिनी, उसके बाद में सडनली व्हेन यू लुक एट विद्या सिन्हा, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एग्जैक्टली। तो जी हाँ, आज उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और वो 1968 में मिस बॉम्बे रह चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी कमर्शियल आई मीन एड्स में उन्होंने काम किया है, करेक्ट करेक्ट। और उनकी भी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई बहुत, जैसा हमने लीना चंदावर के बारे में एक बात की, वैसे ही, क्योंकि उनकी जो पहली शादी हुई थी एक तमिलियन ब्राह्मण के साथ हुई थी, जी हाँ, तो कुछ साल बाद वो
कुछ बीमारी के कारण चल बसे और बाद में उन्होंने दूसरी शादी की जो सिडनी में रहते थे वो अच्छा एक महाराष्ट्रियन थे ओके उनके साथ भी शादी उनकी टूट गई क्योंकि कुछ वाज शी हियर इन सिडनी एट ऑल यस शी लिव्ड इन सिडनी फॉर फ्यू इयर्स आफ्टर गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन ओके तो वो भी शादी वो तो शादी टूट गई क्योंकि उनको कुछ जम नहीं रहा था कुछ प्रॉब्लम्स थे ओके तो हम बोलते हैं ना कि फिल्मी लोग जो बहुत स्पॉटलाइट में रहते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हैं पीछे कुछ पैसा होता है उनके पास बट लाइफ उनमें कुछ उनकी लाइफ के बारे में बोलते हैं तो कुछ गारंटी नहीं है कि वो सुखी हो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं उनकी जिंदगी में और लाइक ये सब देखो जब पढ़ते हैं तो पता चलता है दे आर आल्सो लाइक नॉर्मल ह्यूमंस गो थ्रू ऑल द या तो चलिए विद्या सिन्हा क्या एक गाना बहुत ही अच्छा गाना है दिस इज विद विनोद खन्ना आई थिंक दिस इज अ डेब्यू सॉन्ग लाइक हम लोग जब भी लेके आते हैं कुछ ऐसे गाने लेके आते हैं जो आपने सुना नहीं है या फिर काफी दिनों पहले सुना है तो चलिए सुनते हैं ये गाना समय तू धीरे धीरे चल समय तू धीरे धीरे चल
सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल, पल पल ओ पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। भाई समय तो अपनी रफ्तार से चलेगा। अभी स्टूडियो में बजे हैं 11:07 और 54 seconds। तो चलिए आप हम, अच्छा सेकंड्स भी बोल दिए, सेकंड्स भी हमने बोल दिए, बिल्कुल हाँ, एवरी सेकंड इज इम्पोर्टेंट। तो हम विद्या सिन्हा के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने कल पढ़ा इंटरनेट पे कि जो एक फिल्म आई थी 1978 में, राज कपूर ने उसे बनाया था, जिसका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। आपने जब राज कपूर का लिया तो कंट्रोवर्शियल। यस, तो वो जो रोल था जो जीनत अमान ने किया था, अच्छा, वो राज कपूर साहब ने पहले विद्या सिन्हा को ऑफर किया था। रियली? यस, मगर विद्या सिन्हा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो कह रही थी कि जिस तरीके से राज कपूर ने जीनत अमान को वो फिल्म में प्रेजेंट किया है, उस तरीके का ड्रेस तो मैं नहीं पहन सकती थी। तो मेरे लिए वो एक पॉसिबल नहीं था। yes, yes. तो उन्होंने राज कपूर साहब को ना कह दिया था। तो ये तो बड़ा धमाकेदार न्यूज़ दिया। yes, आपने? मैं उसका एक इंटरव्यू कल पढ़ रहा था, उसमें उसने लिखा था कि एक एक बहुत ही प्यारी सी एक मूवी आई थी, आपको याद है, पति पत्नी और वो, जिसमें थे संजीव कुमार और विद्या सिन्हा और रंजीता रंजीता और एंड में परवीन भाभी भी आती हाँ, है। यस, या, थोड़े या, एक दो सेकंड के लिए परवीन भाभी भी आती है उसमें। एक विद्या सिन्हा का व्हेनेवर यू थिंक अबाउट विद्या सिन्हा दिस सॉन्ग यू नो ऑलवेज कम्स ऑन माइंड। यस, और हमारे श्रोता सोच रहे होंगे भाई विद्या सिन्हा की बात कर रहे हैं और रजनीगंधा नहीं सुना रहे हैं और छोटी सी बात की गाने नहीं सुना रहे। द रीजन वी विल टेल यू, वी आर ब्रिंगिंग दैट सॉन्ग, बट वी आर ब्रिंगिंग द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज लिरिसिस्ट योगेश के गाने। तो उनके जो गाने हैं वो भी बहुत मतलब पॉपुलर है, और फ्रॉम द मूवी रजनीगंधा और छोटी सी बात हो गई, मिली हो गया एंड आनंद। सो वो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में लेके आएंगे, बट अभी जो विद्या सिन्हा का जो हम लोग गाना सुनाने जा रहे हैं आपको, वो है फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। नहाना चाहिए भाई, कैनबेरा में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कैनबेरा में तो चाहे 40 डिग्री ठंड क्यों ना हो, ठंडे पानी से तुम नहीं नहा सकते। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, हाँ गाना आए या ना आए गाना चाहिए। उतरो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फव्वारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक से बनाओ। देखे हो क्या ये देखर, ये घर भैया है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। तेरी भी अंदर बुलाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो
हो क्यों बचाती, अरे सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी मेरी भिगोगी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो सच्चों से कोई कम हो। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए, चुप शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। खिड़कियों से दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए खाना चाहिए, अरे गाना आए या ना आए खाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। For more entertainment, log on and subscribe to www. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभी विद्या सिन्हा के बारे में, और एज आई सेड लाइक यू नो गर्ल नेक्स्ट डोर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हीरोइन, एंड शी ऑल्सो लाइक बीन थ्रू लॉट ऑफ ट्रेजिडीज इन हर लाइफ। और जैसे जगदीश भाई ने कहा कि भाई शी वॉज अ लोकल ऑस्ट्रेलियन, लाइक सिडनी में थी काफी कुछ सालों, सिडनी में रह चुकी है अपने पति के साथ, जो सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के ये थे, सिटीजन थे। एंड देन आई थिंक शी ऑल्सो फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। क्या बाप रे, कैन यू बिलीव इट कि सब कुछ होने के बाद में भी लाइफ में ये नहीं हो सकता है क्या? कुछ ना कुछ कमी है ही। सो एनीवे, एक करेक्शन करना चाहूंगी मैं। अभी जो हमने गाना सुनाया था आपको, इसके पहले ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, उसके पहले गाना आपको सुनाया था समय तू धीरे धीरे चल, आई थिंक इट वॉज फ्रॉम द मूवी करम, एंड इट वॉज विथ संजीव कुमार। यस, और ये अगला गाना जो हम लोग लेकर आ रहे हैं ये है फ्रॉम द मूवी इनकार। इनकार का वैसे एक गाना तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, मुंगड़ा मुंगड़ा, मगर ये कुछ उषा मंगेशकर के आवाज में था, मगर ये अलग गाना है। हाँ। क्योंकि वो मुंगड़ा गाना तो हेलन पे फिल्माया गया था। हाँ। तो ये भी गाना बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा विनोद खन्ना। जी हाँ, देयर इज अनदर पर्सन विनोद खन्ना, वी सेंड हिम आवर बेस्ट विशेस कि वो बहुत ही कैंसर से जूझ रहे हैं, वो बहुत बीमार हैं, तो वी विल ऑल्सो लाइक यू नो लेट्स प्रे फॉर हिम। यस, सो चलिए ये गाना फ्रॉम द मूवी इनकार।
जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जो गाना सुना वो था फ्रॉम द मूवी इनकार विथ विनोद खन्ना. और अगला का जो गाना हम लोग लेकर आ रहे हैं वो है फ्रॉम द मूवी रजनीगंधा. विद्या सिन्हा के बारे में बात करें और रजनीगंधा के बारे में ना बात करें, ये ऐसा कैसे हो सकता है जगदीश जी, है ना? रजनीगंधा तो उनकी एक पहली जो हिट फिल्म थी, अमोल पालेकर के साथ, एंड शी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ हीरोइन फ्रॉम दिस मूवी. उसमें जो है सलील चौधरी का म्यूजिक, सलील चौधरी का म्यूजिक था. जी हाँ, और उसमें एक बहुत ही अच्छा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, न जाने क्यों होता है. नहीं, वो तो छोटी सी बात है शायद ना, छोटी सी बात का न जाने क्यों, न जाने क्यों. जी हाँ, छोटी सी बात कई है उसमें, उसमें भी अमोल पालेकर है. अमोल पालेकर कंफ्यूज विद लाइक रजनीगंधा एंड छोटी सी बात. तो अभी छोटी सी बात का गाना सुनते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, न जाने क्यों. ओके. Thank you.
यहाँ तो हम बात कर रहे हैं विद्या सिन्हा के बारे में, जो एक 70s में बहुत ही पॉपुलर हीरोइन थी। बिल्कुल। और उन्होंने ये जो फिल्म थी छोटी सी बात और रजनीगंधा, उस दोनों ही फिल्मों में उनके हीरो थे अमोल पालेकर। हाँ। और उनके बारे में कहती है कि वो एक महाराष्ट्रियन है, तो उनको डायलॉग बोलते समय बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ी अपना महाराष्ट्रियन एक्सेंट चेंज करने के लिए। और वैसे उन्होंने संजीव कुमार के बारे में बात की है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ 3 फिल्में की है, मुक्ति जिसमें शशि कपूर भी थे, पति पत्नी और वो तो हमने अभी गाना सुना ठंडे ठंडे पानी से, और तुम्हारे लिए। तो वो संजीव कुमार के बारे में कहती है कि वो बहुत एक सिंपल पर्सन थे, वेरी डाउन टू अर्थ थे, कभी एक्टर जैसा बिहेव नहीं किया, यानी बहुत नेवर शोड ऑफ, बहुत प्लेजेंट थे, फ्रेंडली थे, ऑलवेज जोकिंग। सभी लोग संजीव कुमार के बारे में यही बोलते हैं, ही वाज अ गुड कंपनी एंड ऑफ कोर्स ब्रिलियंट एक्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल। और टू एक्ट विद सच अ यू नो पर्सन विद सच अ क्लास, एंड शशि कपूर भी वेरी गुड एक्टर, एंड देन ऑफ कोर्स संजीव कुमार भी बहुत ही एक मजे हुए कलाकार थे। तो जी हाँ, एंड चलिए सुनते हैं अगला गाना। अभी एड्स सुनते हैं, फिर उसके बाद में हम फिर से बात करेंगे थोड़ा बहुत विद्या सिन्हा के बारे में, एंड देन विल ब्रिंग द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ योगेश। What's giving your small business a big future? Simpler GST reporting gives me more time to focus on running my business. Faster depreciation helps us get the equipment we need. Tax cuts mean I can put money back in my business and create jobs. For the full range of initiatives to support small businesses to grow, search small business. It's all about giving small business a big future. Authorized by the Australian Government, Canberra. Spoken by Kumud Mirani and Vivek Asri. महिलाओं के लिए नियमित रूप से स्क्रीनिंग कराना सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। वर्तमान समय में 20 से 69 साल की सभी महिलाओं को हर 2 वर्ष में एक बार पैप टेस्ट कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही उन्हें HPV का टीका लगा हो। इस साल वर्तमान सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्टिंग व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। 25 से 74 साल की महिलाओं को हर 5 वर्ष में एक बार एक नए प्रकार का सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, परंतु 2017 में इन बदलावों के लागू होने से पहले महिलाओं को अपने नियमित पैप टेस्ट कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से बात करें या 131556 पर फोन करें। ACT हेल्थ के ACT सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम की ओर से एक संदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1, और हम बात कर रहे थे विद्या सिन्हा के बारे में, जो अपने 70s के एक बहुत ही मशहूर हीरोइन रह चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं उस जमाने के 70s के, फिर से एक जो गीतकार थे योगेश, लिरिसिस्ट योगेश। बिल्कुल, शायद ज्यादा लोग जानते नहीं उनके बारे में, बट बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिखे। गाने अभी जो हम लेके आएंगे, आपको पता चलेगा कि भाई व्हाट अ ग्रेट लिरिसिस्ट ही वाज। लखनऊ में उनकी पैदाइश हुई, यूपी में, और बहुत ही सुंदर गाने उन्होंने दिए हैं। आनंद हो गया, मिली हो गया, आनंद आश्रम हो गया, ऑफ कोर्स रजनीगंधा एंड छोटी सी बात। ही वर्क्ड विथ, उनका जो जो फिल्मी कैरियर था, मोस्ट ऑफ द फिल्मी कैरियर ही वर्क्ड विथ ग्रेट डायरेक्टर्स लाइक ऋषिकेश मुखर्जी एंड बासु चटर्जी। वो हमेशा कहते थे कि भाई बासु चटर्जी के साथ काम करना बड़ा बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब और गाने की सिचुएशन समझा रहे थे बासु चटर्जी, तो कह रहे थे कि अब विद्या सिन्हा आता है। तो योगेश जी बहुत कंफ्यूज हो गए, अरे आपको योगेश यानी विद्या सिन्हा आ रही है बोलना है या अमोल पालेकर आ रहे हैं बोलना है। पर वो गुस्सा हो जाते थे, लेकिन बासु चटर्जी बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं बंगाली हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है जेंडर का, तो विद्या सिन्हा आता है।
तो योगेश जी बहुत बाद में हंसने लगे कि बिल्कुल तो ही वर्कड इन सम ऑफ द वेरी पॉपुलर मूवीज तो और उनका जो गाना है कहीं दूर जब दिन ढल जाए एंड देन जिंदगी दोस आर द सॉन्ग्स और उनकी जो लिखने का जो स्टाइल था बहुत ही सिंपल था बट येट वेरी इफेक्टिव और जो कॉमन जो मास था कॉमन पीपल they were able to understand like you know what they मगर अभी एक पहला गाना हम सुनेंगे उनका जो आनंद के पहले का गाना है हाँ. शायद बहुत लोग जानते नहीं ये गाना मगर बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है बहुत ही लिरिक्स आप ध्यान से सुनिए बहुत ही बढ़िया है इनफैक्ट मजरू सुल्तानपुरी जो एक बहुत ही बड़े उस जमाने के गीतकार थे हमारे फिल्मी गीतकार जी हाँ. उन्होंने ये गाना सुनने के बाद उनको बधाई दी थी कि आपने ये जो गाना लिखा है ये इतना बढ़िया गाना है उसके जो लिरिक्स है बहुत ही बढ़िया है आप सुनिए टू बी प्रेज्ड बाय मजरू सुल्तानपुरी इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर एंड टू वर्क विद ऑल दिस ग्रेट पीपल तो चलिए सुनते हैं योगेश का ये फिल्म है एक रात जो 1968 में आई थी मूवी थी उषा खन्ना का म्यूजिक और रफी ऑफ कोर्स रफी जी की आवाज नसरीन दिस इज जस्ट फॉर यू सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया होगा सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया होगा ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया होगा कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे दांतों की जगह पे मोती चुन चुन के लगाए होंगे जुल्फे काले करने को बदली को जलाया होगा ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया होगा सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे दो नील कमल नीलम सी आंखों में खिलाए होंगे अंगों में चमक देने को चंदा को गलाया होगा ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया होगा सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया होगा What a song. क्या लिरिक्स थे? No wonder he was known as a sensible lyricist in the film industry. Yes. बहुत ही सिंपल गाने लिखते थे और बहुत ही मतलब लोगों के मन में उतर जाते थे वो गाने और समझ में आते थे समझ में आते बिल्कुल तो जी हाँ द नेक्स्ट सेगमेंट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द लिरिसिस्ट योगेश और जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने हमको दिए हैं तो उन्हीं में से एक ये गाना हमने आप लोगों के लिए लाया है तो आप कुछ कहना चाह रहे थे वैसे तो उनका जो पहली फिल्म
जो हिट हुई थी, यानी लोगों को पता चला कि ये कोई योगेश गीतकार है, ये थी आनंद। और सरप्राइजिंगली आनंद में गुलजार ने भी कुछ गीत लिखे थे। करेक्ट। तो बहुत बार लोग समझते थे कि सारे गाने योगेश ने लिखे हैं, क्योंकि सभी गाने बहुत मीनिंगफुल थे। और गुलजार तो आपको पता ही, एक बहुत ही बड़े बड़े गीतकार है। और सलील चौधरी उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो पहली बार जब उनके घर में गए तो उनकी बीवी से उन्होंने बात की, सविता चौधरी, सलील चौधरी की वाइफ। तो उनके घर में उनका आना जाना था। तो एक बार सलील चौधरी ने पूछा, क्या कुछ गाना बने लिखते हो आप? तो उन्होंने कहा हाँ। तो सलील चौधरी ने आनंद फिल्म के गाने की धुन उन्हें बताई और कहा कि लिखे इस पर एक गाना लिखिए। तो और बाद में सलील चौधरी के मार्केट चले गए कुछ शॉपिंग करने के लिए, और बाद में इतने इनको स्ट्रेस हो गया कि वो धुन ही भूल गए कि मैं क्या धुन दी थी, उन्होंने क्या किया था। हाँ। और बाद में उनके घर से बाहर निकल पड़े कि जाने तो मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मुझे धुनी हाँ। याद नहीं है, फिर से मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ इनको, उनको गुस्सा आएगा। तो ऐसे रास्ते से जा रहे थे, बस स्टॉप पे खड़े थे, तो सडनली उनको याद आ गई धुन। तो और फिर उन्होंने गाना लिखा, और बाद में वो गाना तो रेस्ट इज हिस्ट्री, बहुत ही हिट गाना। उन्होंने बहुत सारे लाइक जो इवनिंग से ही स्पेंड ऑन द मरीन ड्राइव, और वो बोटानिकल गार्डन में घूमते थे, एंड देन मे बी दैट्स वेयर ही गॉट ऑल हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम। और जिंदगी में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो उनके रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, बहुत बुरी तरह से उन्हें ट्रीट किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि सब मेरे गाने में वो रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि आप गाने लिखोगे तो कोई एक्सपीरियंस होगा तो ही लिख सकते है ना, बहुत मीनिंगफुल गाने। देखो लाइक यू हैव टू गो थ्रू समथिंग इन लाइफ। एग्जैक्टली। वो जो इमोशंस जो बाहर आते हैं, एंड देन पीपल स्लोली स्टार्ट पुटिंग देम यू नो ऑन द पेपर, तो सडनली रियलाइज होता कि भाई मेरे पास ये टैलेंट है, लाइक आई कैन डू इट। यस, यू नो समटाइम्स यू सरप्राइज योरसेल्फ। एग्जैक्टली। और जैसे पहले आपने जो कहा कि भाई गुलजार का जो एक गाना था, मैंने तेरे एवरीबॉडी थिंक्स लाइक इट्स योगेश ने लिखा है, कैन यू इमेजिन। और काफी लोगों ने कहते हैं कि भाई फूलों का गुलदस्ता मुझे भेजा, सोचा कि मैंने ये गाना लिखा है, बट ही डिड लाइक यू नो डी टू सॉन्ग्स इन द आनंद, जिंदगी कैसी है पहली और कहीं दूर जब दिन ढल जाए। आज भी वो गाना सुनो तो एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अगला गाना हम योगेश के कौन सा लेकर आने, अन्नदाता फिल्म का, हाँ, किशोर कुमार के आवाज में गुजर जाए दिन, बहुत ही प्यारा गाना है। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 दिल बस में ये न माने कोई रस में ये, रहे न दिल बस में ये न माने कोई रस में ये, के खाऊं मैं तो कष्ट में ये उन्हें है पता, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये,
नाता नहीं टूटे ये हार। आ गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन, जगदीश भाई हम लोग आनंद और रजनीगंधा के बारे में इतना बात कर रहे हैं और योगेश के लिरिसिस्ट के यू नो उनकी जो गाने हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग आनंद और रजनीगंधा का सॉन्ग नहीं प्ले करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। और हमारे श्रोता बोलेंगे क्या है, लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट आनंद एंड रजनीगंधा बट यू आर नॉट प्लेइंग एनी सॉन्ग्स फ्रॉम दिस मूवीज। तो जी हाँ, और जैसे हमने कहा कि भाई योगेश की जो पॉपुलैरिटी है इन आफ्टर आनंद बहुत ही मतलब ये ही गॉट बहुत फेमस हो गए वो, और स्पेशली ये गाना जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और दूसरा था जिंदगी कैसी है पहेली। और क्या हुआ, ये जो दोनों ही जो गाने थे इट वॉज विथ वन ऑफ दी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर लक्ष्मण, तो उनसे जाके अमिताभ बच्चन ने और राजेश खन्ना ने और रिश्ता ने बोला प्लीट किया कि भाई हमको ये दो गाने प्लीज फिल्मों में चाहिए, ये फिस फिल्म में चाहिए, यस चाहिए हमें, तो प्लीज ये दो गाने आप दे दीजिए हमें। तो बहुत ही रिलेक्टेंटली उन्होंने एक गाना दिया, फिर उन्होंने बहुत प्लीट किया उनको कि भाई नहीं हमको दोनों ही गाने चाहिए, तो फाइनली दे वर एबल टू गेट दिस टू सॉन्ग। और क्योंकि ये जो लक्ष्मण जो प्रोड्यूसर है उन्होंने अनाड़ी फिल्म बनाई थी, तो उनके गाने हमेशा बहुत शैलेंद्र हसरत जयपुरी लिखते थे, तो उनको लगा होगा कि ये जो नया गीतकार है वो कैसा होगा क्या होगा पता नहीं है, तो बहुत हिचकिचा रहे थे, बहुत हिचकिचा रहे थे। फाइनली एट दैट टाइम आई थिंक शैलेंद्र जस्ट पास्ड अवे एंड देन योगेश वाज एबल टू यू नो मेक हिज मार्क इन, क्योंकि सलील चौधरी और जो शैलेंद्र थे उनकी भी जोड़ी बहुत अच्छी थी, मधुमति के गाने बहुत हिट गाने लिखे थे, तो उसके बाद में एक वैक्यूम हो गया था, तो सलील चौधरी ने योगेश को चांस दिया और ही मेड इट, यस। तो चलिए आनंद फिल्म का एक गाना सुनते हैं। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए कहीं दूर। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए,
ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। जगदीश जी, मैं जब भी ये गाना सुनती हूँ मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुकेश की एक बहुत ही मतलब डीप वॉइस, योगेश के लिरिक्स और एसडी बर्मन का म्यूजिक। क्या कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? ये आनंद की बात, आनंद का तो सलील चौधरी सॉरी, यस सलील चौधरी। और जी हाँ, और कैन यू इमेजिन लाइक राजेश खन्ना जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड यू नो सिंगिंग दिस सॉन्ग, क्या इमोशंस वो लेकर आते हैं। एंड नो बडी लुक्स बेटर देन राजेश खन्ना इन ए गुरु कुर्ता। एंड अदर सॉन्ग लाइक कहीं जिंदगी कैसी है पहेली, व्हेन ही वॉक्स ऑन दी, उस जमाने फिर फैशन ही हो गया था ना गुरु कुर्ता yes. पहनने की। बट लाइक सब लोग पहनते थे, बट नोबडी मेड इट लुक सो गुड। राजेश खन्ना तो बहुत ही अच्छे लगते थे गुरु कुर्ता, और वो एक उनका एक टिपिकल एक सैंडल हुआ करता था, वो पहन के वो चलते थे, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो और एक भी गाना हम लोग लेकर आए फ्रॉम द मूवी मिली। यस, दिस वाज आल्सो अ वेरी ट्रेजिक, आई मीन आनंद का फीमेल वर्शन था, आनंद फिल्म का। इसमें जया भादुड़ी थी, ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन। और जब हम लोग राजेश खन्ना की बात कर रहे हैं तो अमिताभ बच्चन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। दीज टू ऑलवेज वेयर राइवल्स, बट आई डोंट नो लाइक राइवल्स बोलते हैं लाइक एक हेल्थी राइवलरी था। जी हाँ, बट राजेश खन्ना ऑलवेज ब्लेम्ड अमिताभ बच्चन फॉर टेकिंग द लाइमलाइट फ्रॉम हिम। बट सो व्हाट, आई मीन totally, I mean it's up to, I mean talent ही था अमिताभ बच्चन में इतना, exactly. He was a towering inferno. Yes, yes. और वो एक romantic फिल्मों का जमाना था, राजेश खन्ना तो टॉप पे थे ही थे, हाँ. बाद में एंग्री यंग मैन का जमाना आने के बाद अमिताभ बच्चन टॉप पे पहुंच गए, तो राजेश खन्ना तो बेसिकली रोमांटिक रोल से कर सकते थे या कॉमेडी, उनके लिए एंग्री यंग मैन का रोल करना बहुत, ही वाज वेरी सॉफ्ट फॉर दैट। यस एग्जैक्टली, ही वाज वेरी सॉफ्ट फॉर दैट। बट देखो लाइक यू नो पीपल कीप चेंजिंग, पब्लिक की टेस्ट चेंज होती रहती है, तो यू कांट ब्लेम एनीवन, यू कांट ब्लेम। और अभी वैसे फिर से हम लोग रोमांटिक मूवी बनाना चाहेंगे तो लोग ओह माय गॉड दिस इज सो बोरिंग, कुछ एक्शन चाहिए, कॉमेडी चाहिए, यू नो कहीं आउटडोर लोकेशन चाहिए, कुछ धमाकेदार, कुछ आइटम सॉन्ग तो होना बहुत ही जरूरी है। और आजकल तो पुराने सब गानों के आइटम सॉन्ग्स बना देते हैं, लैला में लैला है, बहुत सारे याराना का गाना है। तो आइए सुनते ये गाना मिली फिल्म से। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिलाते
या कुछ ऐसी गाने जो योगेश को ऐसी पॉपुलैरिटी उनको मिली इन गानों से कि ही बिकेम ओवरनाइट यू नो सेंसेशन एंड द फैन क्लब उनका जो है लाइक इट स्टार्टेड पोरिंग इतने ब्यूटीफुल गाने और आनंद के भी जो दो गाने उन्होंने लिखे उसके बाद तो लाइक यू नो ही नेवर लुक्ड बैक और भी उनकी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई थी जैसे आनंद महल हो गया प्रियतमा भी वेरी सिंपल मूवी ऋषिकेश मुखर्जी की मूवी थी उसमें जितेंद्र थे नीतू सिंह थी और एक एक मूवी आई थी उस पार यस डू यू रिमेम्बर दैट मूवी उसमें थे मौसमी चटर्जी एंड विनोद मेहरा उसके भी बहुत ही अच्छे गाने और सारे ही मतलब गाने योगेश ने लिखे थे उसमें बट अगला गाना हम जो लेकर आ रहे हैं वो है प्रियतमा से या फिर या मेरे ख्याल से रजनीगंधा का पहले सुनेंगे बाद में प्रियतमा का सुनेंगे बिल्कुल हम लोग रजनीगंधा के बारे में इतना बात कर रहे हैं एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट यू नो विद्या सिन्हा एंड द रीजन व्हाई लाइक यू नो आई डिडंट चूज दैट सॉन्ग फॉर विद्या सिन्हा इज बिकॉज लाइक योगेश ने ये गाना लिखा है आई वॉन्टेड टू डू जस्टिस टू योगेश लाइक फ्रॉम दिस सॉन्ग तो रजनीगंधा का ये टाइटल जो गाना है बहुत ही सुंदर गाना है और लता जी की आवाज में है और चलिए ये गाना सुनते हैं रजनीगंधा फूल तुम्हारे जगदीश जी ऐसा लगता है कि जो ऐसे जो गाने हैं हम जितनी बार भी सुनते हैं ऐसा लगता है कुछ एक नयापन दिखाई देता है एक कुछ
बहुत ही यू नो जिस मन को छू जाने वाले गाने, और इतने ब्यूटीफुली यू नो कंपोज किए हुए, इतना ब्यूटीफुल लिरिक्स है और ऐसा लगता है कि बस ये सुनते रहे गाने और बस कहीं नहीं जाए और बस you know you just listen to these lovely lovely songs. magar dekhte dekhte 2 ghante ho gaye hamare program ke, even though we had lot of technical issues in the beginning, bahut zyada technical issues hue yahan pe aaj, but luckily we were able to like you know bring the program to our listeners today. aur dekhiye aur itne acche acche humne aaj you know logon ke bare mein baat ki hai. yes, Leena Chandavarkar, Vidya Sinha एंड शमशाद बेगम, योगेश और देखो अभी जाने का समय हो रहा है. और एक गाना जो है आज भी एकदम रोंगटे खड़े कर देते हैं जब भी सुनो, वो दोनों लता की आवाज में भी है और किशोर दा की आवाज में भी है, और पर्दे पर तो अमिताभ बच्चन ने गाया इस गाने को, और इसमें मौसमी चटर्जी भी है. आपको शायद याद होगा ये मूवी है मंजिल. ये गाने को भी योगेश ने ही लिखा है. yes. और दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस सॉन्ग. तो जाते जाते हम लोग हमारे श्रोताओं को ये गाना छोड़ जाते हैं, रिम झिम गिरे सावन. मिलेंगे फिर से मंगलवार की शाम को. तब तक के लिए हम कहते हैं गुड बाय और फिर से मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड गिव अस ऑल योर फीडबैक. बाय बाय, सायोनारा. क्या पवन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम.